आज हम कुछ ऐसे केसों को देखेंगे जो देश की न्यायपालिका को झंझोड़ कर रख दिया था। ये सब केस इसलिए सनसनी मचा दिए थे क्योंकि ये आम लोगों से नहीं देश के जाने माने हस्तियों से जुड़े थे। ये है सेंसेशनल मर्डर्स दैट शूक इंडिया। शीना बोरा मर्डर केस। 24 अप्रैल 2012 को मुंबई मेट्रो वन में काम करने वाली 25 साल की शीना बोरा गायब हो जाती है। अगस्त 2015 में इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि शीना इंद्राणी की बहन थी और इंद्राणी का ड्राइवर और जिसने शीना का लाश जलाने में मदद किया था उन्होंने पुलिस को बताया कि इंद्राणी ने 2012 में शीना का कत्ल किया था। अब सवाल था कि इंद्राणी अपनी ही बहन को क्यों मारेगी। अब आता है केस में ट्विस्ट। असल में शीना इंद्राणी की बहन थी ही नहीं, वो उसकी बेटी थी। शीना इंद्राणी के शादी से पहले हुई बेटी थी। इंद्राणी अपने दूसरे पति पीटर से ये बात छुपाई थी। जब शीना माँ के साथ रहने मुंबई आई थी तो इंद्राणी सबको अपनी बहन बताया था। शीना को इंद्राणी का सौतेला बेटा यानी पीटर मुखर्जी का पहली बीवी से जो बेटा था राहुल मुखर्जी, उससे प्यार हो जाता है। अब इंद्राणी सबको नहीं बता सकती थी कि शीना उसकी बेटी है और इस रिश्ते से शीना राहुल की बहन होती है। वो शीना को राहुल से दूर रहने की चेतावनी देती है लेकिन शीना नहीं मानती। इंद्राणी इसी झगड़े के चलते शीना को रोकने के लिए उसे जान से मार देती है। जिस वक्त शीना का कत्ल हुआ था वो 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। सुनंदा तरूर डेथ। एक शर्मीली कश्मीरी लड़की से सुनंदा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गई थी जो दिल्ली के चकाचौंध सोसाइटी में जाना माना नाम थी। दो नाकाम शादियों के बाद अगस्त 2010 में सुनंदा ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से शादी कर लेती है। 17 जनवरी 2014 को सुनंदा बेहद ही संदेहास्पद परिस्थितियों में दिल्ली के एक 5-स्टार होटल के कमरे में मृत पाई जाती है। उनके मौत के एक दिन पहले ही सुनंदा और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच ट्विटर पर झगड़ा हुआ था। सुनंदा के ट्वीट शशि थरूर और मेहर तरार के बीच के अफेयर की हिंट दे रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि सुनंदा की मौत स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज से हुई थी लेकिन वही मेडिकल टीम ने बाद में ये दावा किया कि उन्हें ये फर्जी रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव डाला गया था। पुलिस का दावा है कि सुनंदा को जहर दिया गया था और 2015 में हत्या का मामला भी दर्ज हुआ लेकिन अब तक इस मामले में ना ही किसी को संदिग्ध बताया ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई। प्रमोद महाजन मर्डर केस। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले एक तेज तर्रार नेता का दिन दहाड़े उनके अपने ही घर में हत्या हो जाती है। इस खबर से पूरा देश हिल गया था। अप्रैल 2006 के एक शांत सुबह प्रमोद महाजन को उनके अपने ही छोटे भाई प्रवीण महाजन ने उनके अपने घर में गोली मारकर हत्या किया था। प्रवीण ने अपने बड़े भाई का कत्ल किया और बड़े ही आराम से नजदीकी पुलिस स्टेशन में गए और कहा कि मैं प्रवीण महाजन हूं और मैंने प्रमोद महाजन का हत्या कर दिया है। वजह, प्रवीण महाजन ने कोर्ट के सुनवाई में ये कहा कि प्रमोद ने मुझे पालतू कुत्ते की तरह पाला था। प्रवीण महाजन को आजीवन कारावास का सजा हुई और 2010 में ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। रिजवान उर रहमान मर्डर। कलकत्ता का 30 साल का ग्राफिक डिजाइनर रिजवान उर रहमान 21 सितंबर 2017 को रेलवे ट्रैक पर मृत पाए जाते हैं। उनके मौत के कुछ ही हफ्ते पहले यानी 18 अगस्त 2017 को रहमान ने प्रियंका टोडी से शादी की थी। प्रियंका टोडी कोई आम लड़की नहीं थी। प्रियंका लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक टोडी की बेटी थी और रहमान एक मिडिल क्लास लड़का था। रहमान और प्रियंका ने अपनी शादी के बारे में अपने परिवार में नहीं बताया क्योंकि उन्हें पता था कि प्रियंका के परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं होगा। प्रियंका और रहमान ने कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और कराया पुलिस स्टेशन को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने अपने शादी के बारे में बताया और पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की। इसके बाद प्रियंका ने अपने घर पर फोन करके शादी की बात कही। उसके घर वाले इस बात से बेहद नाराज थे, खासकर प्रियंका के पिता अशोक टोडी। अशोक ने पुलिस पर जोड़े को अलग करने के लिए दबाव डाला और हुआ भी वही। रहमान को अपनी बीवी प्रियंका को उनके पिता के घर वापस भेजने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद रहमान के लाख कोशिशों के बावजूद ना ही उन्हें प्रियंका से बात करने दिया गया ना ही मिलने दिया गया। 21 सितंबर 2017 को उसका लाश रेलवे ट्रैक पर मिला। उसे आत्महत्या का केस बनाकर फाइल बंद कर दिया गया लेकिन अशोक टोडी और उनके रिश्तेदार और कुछ पुलिस अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। आज तक इस केस में किसी को सजा नहीं हुआ। जेसिका लाल मर्डर केस। ये कत्ल सत्ता के पावर का काली सच्चाई को उजागर करती है। 29 अप्रैल 1999 को पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का बेटा मनु शर्मा ने 34 साल की जेसिका लाल का दक्षिण दिल्ली के मेहरौली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी। वजह, जेसिका ने मनु शर्मा को शराब परोसने से मना कर दिया था। 29 अप्रैल 1999 को आधी रात को मनु शर्मा अपने 3 दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में आता है और शराब की मांग करता है। जेसिका मना कर देती है क्योंकि 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट शराब नहीं परोसता था। मनु शर्मा ने अपनी 22 कैलिबर पिस्तौल से जेसिका के सिर पर गोली मार दी। उस वक्त रेस्टोरेंट में काफी लोग थे। ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 2006 को मनु शर्मा को इस कत्ल से बाइज्जत बरी कर दिया। पूरे देश में लोगों का आक्रोश फूटने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के फास्ट ट्रैक में इस केस की फिर से सुनवाई शुरू हुई और मनु शर्मा को जेसिका के कत्ल के लिए दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा हुआ। हाल ही में 2019 में कोरोना के चलते मनु शर्मा को जेल से पैरोल में रिहा कर दिया गया। प्रियदर्शनी मट्टो। 23 जनवरी 1996 को लॉ स्टूडेंट 25 साल के प्रियदर्शनी मट्टू अपने दिल्ली के घर में मृत पाई जाती है। उसका बलात्कार करके उसका हत्या कर दिया गया था। उसका सीनियर संतोष कुमार सिंह को इस बलात्कार और कत्ल के लिए मुख्य आरोपी बनाया गया। वो प्रियदर्शनी का सालों से पीछा करता था और उसे परेशान करता था। उसके खिलाफ प्रियदर्शनी का कोई भी शिकायत नहीं चला क्योंकि संतोष का पिता एक प्रभावशाली IPS ऑफिसर थे।
23 जनवरी 1996 की वो सुबह संतोष प्रियदर्शनी के घर गया और उसका बलात्कार किया और उस इलेक्ट्रिक वायर से उसका गला घोटकर हत्या कर दिया। फिर हेलमेट से प्रियदर्शनी के चेहरे पर इतनी बार वार किया, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। ट्रायल कोर्ट ने 1999 को संतोष को इस कत्ल से बरी तो कर दिया, लेकिन काफी जनाक्रोश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने संतोष को 30 अक्टूबर 2006 को मौत की सजा सुनाई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।